दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि कोई आयत होगा उसकी एक भुजा दूसरी भुजा से कितनी बड़ी है, 5 सेंटीमीटर बड़ी है। देखिए किसी को भी लंबाई बोल देते हैं, किसी को भी चौड़ाई बोल देते हैं, उन्होंने बोला नहीं लंबाई चौड़ाई के बारे में। तो यहाँ पे एक कोई भुजा दूसरी से क्या रहेगी, 5 सेंटीमीटर बड़ी, कोई भी एक दूसरी से बड़ी है, पहली दूसरी से बड़ी है। तो अगर इसे एक भुजा मान लो 10 है या हाँ, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, 10 + 5 = 15। क्यों, एक भुजा दूसरी भुजा से 5 सेंटीमीटर बड़ी है। तो जैसे मान लीजिए ये है, मान लीजिए 8, तो ये क्या हो गई, 8 + 5 = 13, समझ गया वैशाली। और अगर ये भुजा मान लीजिए आपकी 20 है, 20 + 5 = 25 बड़ी होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये क्या है x, तो ये क्या हो गई, निकालना वैशाली। इसमें भी हमेशा इबारत में दो चीज़ें हैं, पर सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों को आप एक ही चर के पदों में मान पाते हैं कि नहीं। समझे कि नहीं समझे मेरी बात, एक ही चर के पदों में दोनों को मान पा रहे हैं कि नहीं। अगर x y मान लिया तो फिर क्या फ़ायदा, फिर थोड़ी बड़ा समय करना। चलिए सबको समझ में आए, अच्छा और क्या दिया, हाँ यहाँ कर देते हैं, वहाँ क्यों करें, बोलिए। प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है बेटा, 150 वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें कुछ समझना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई बड़े चौड़ाई। अब इसमें से कोई भी एक लंबाई होगी, कोई भी एक चौड़ाई, तो हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं, पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा बराबर 150। समझ आया, पहली भुजा क्या है, दूसरी भुजा बराबर 150। एक्स का एक्स में, एक्स का पाँच में, -150 बराबर 0। समझ आया कि नहीं आया, बस इस बड़े समीकरण को पकड़ को तोड़ना है। तो बहुत सिंपल है, 150 गुणा करने पे क्या आ जाए, 150 और घटाने पे क्या आ जाए, 5। 15x - 10x 5 आ जाएगा, तो 15 × 150। तो सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे 15 × 10, ये समझे बेटा। अब इसको क्या लिखेंगे सृष्टि, 15x - 10, समझ चाहिए, तो माइनस का था, कोई दिक्कत है, दिक्कत चलिए। अब बच्चों इन दोनों में से x क्या आ जाएगा, x + 15, इन दोनों में से, अच्छा 150 को अपन क्या लिखने का बोल रहे थे, 15 × 10, ये ज़रूरी नहीं होता है वैशाली ऐसा लिखना, पर इससे दिख जाता है कि भाई माइनस कॉमन आ जाएगा और 10 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x + 15। समझ आया, x + 15 क्या आ गया, कॉमन इसमें से और इसमें से, बच गया x - 10 = 0। x + 15 = 0, x - 10, x = -15, x = 10। समझ गए, अब ये क्या है, ये है भुजाओं की लंबाई। आपकी लंबाई कितनी है, 4 फिट, किसी की 2 फिट, छोटा सा बच्चा होगा तो उसकी आधे फिट भी नहीं, किसी की लंबाई 0 फिट हो जाएगी, 0 फिट सुनी है ना किसी, अच्छा 0 नहीं सुनी, माइनस वाला सुनी होगी ना, तो समझ रहे हो उसका मतलब। चूंकि भुजा की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, भुजा की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x = -15 आग्रह है, मतलब x का मान -15 नहीं हो सकता है, फिर भुजा की लंबाई -15 थोड़ी आएगी, ठीक है। तो अब हम आंसर निकालेंगे, अतः पहली भुजा, बोलो बेटा,
भुजा बराबर x बराबर 10, दूसरी भुजा x प्लस 5 बराबर 10 प्लस 5 बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है ना, समझ में बेटे? यहाँ ध्यान दो, बिल्कुल वैसे सवाल है, कुछ खास नहीं है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, पिछली बार बाद में क्षेत्रफल दिया था, पहले दे दिया, कुछ खास नहीं। भूखंड मतलब जमीन का टुकड़ा, ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 500, आयताकार है मतलब आयत का क्षेत्रफल लगेगा, क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, मेन तो ये है, उसमें 5 ज़्यादा थी, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, फिर से बोलो, लंबाई चौड़ाई से दोगुने से दो अधिक, एक अधिक, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, तो पहले तो पता होना चाहिए चौड़ाई, क्या पता होनी चाहिए, फिर क्या करोगे तुम उसका दोगुना और एक अधिक, सोचो फिर से देखो, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, तो मान लो अगर चौड़ाई 10 है, चौड़ाई क्या है तो लंबाई क्या है, कैसे लंबाई जो है इसके दोगुने से एक अधिक, 10 का दोगुना 20 हो गई, नहीं आ रही, अब नहीं बता पाओगे, बताओ चौड़ाई का आठ, क्यों 8 × 16 = 17, अच्छा अब बताओ, जाओ नहीं बता पाओगे, बाद में 24 नहीं पता, मतलब अगर मान लो चौड़ाई x से दोगुना कर दिया 2x और ये जरूर, समझ में आया, मुख्य तो बेटा यही चीज है, समझ गया ना। चलिए अब बस क्या दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 528, लंबाई है 2x प्लस 1 इंटू एक्स बराबर 528, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 बराबर 0, सही है, डिक्लेयर है क्या ये, डरना नहीं, सवाल करना है, 500 का दोगुना क्या हुआ बच्चों, 28 का दोगुना हुआ 56, 1056 चाहिए गुणा पे, क्या चाहिए 1056, और ये क्या लिखा है x, घबराओ नहीं, घटाने पे क्या आना चाहिए 1, तो अपन ले लेते हैं 26 और 25 आ जाएगा, 26x माइनस 25x में आएगा, आएगा नहीं आएगा, 5×6 = 30, एक बार करके तो देख लेते हैं, 5×6 = 30 का 0, हाथ में आई 3, 5×10 = 3 = 13, 2×6 = 12, 2×4 = 5, हाँ बेटा 3×2 = 5 और 6, 650 तो बहुत कम है, 650 तो बहुत कम है, तो अपन कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अपन, जैसा भाई बोल रहा है 33 और 32, 2×3 = 6, 2×3 = 6, 3×9 = 3×9 = 6, 9×6 = 15, 9×1 = 10, आ गया 256, ये थोड़ा बाकी टफ है, सो दिमाग लगाना, पर लगाना तो पड़ेगा अपन, क्या आएगा बेटा, हाँ हमने तो सब दिए थे, माइनस 528 क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 33x - 32x, तो इसमें से बेटा अपन क्या कॉमन ले लेंगे वैशाली, एक्स कॉमन, 2x कैसे आएगा यार, एक्स आएगा कॉमन, 2x कैसे आएगा, इसमें से 2 तो आ ही सकता ना, 2x प्लस, समझ में आए, अब बिना दिमाग लगाए इसमें से 16x कॉमन लेना है, क्यों, ये 16 दूनी यहाँ 2x आना चाहिए, ये आ गया 2x + 33, समझ आया सबको, ओ सॉरी यहाँ पे x नहीं रहेगा, 2x + 33 सब में से कॉमन आ गया, x - 16 = 0, 2x - 33, x - 16 = 0, x - 33/2, x = 16, समझ में आया, फिर वही लाइन फालतू की, बताओ वो लाइन क्या है, चूंकि जाकी लंबाई चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला मान कर लेना है ना, अब चौड़ाई
बराबर x बराबर 16 मीटर, मीटर में दिया ना, और लंबाई 60 2x प्लस 1, अब बोलो अब नहीं बोल रहे, 16 दूनी 32 और 1 33, समझ आ गया सबको, वो लिख लेना आग्रह वाला। बच्चों एक धर्मार्थ दृष्टि, धर्मार्थ दृष्टि क्या होता है, ये जो आप भुवनेश्वर गए हैं कभी, है ना, वहाँ पे सेवा समिति है, तो ऐसे कई ट्रस्ट होते हैं, बस जमीन होती है काफ़ी ज़्यादा, वो एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहते हैं जहाँ लोग खड़े होकर प्रेयर कर सकें, तो उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक, पिछले सवाल में भी यही था। अच्छा कक्ष की लंबाई और चौड़ाई हमने याद कर ली, तो अब इस लैंग्वेज में धर्मार्थ किसको बनाना, उससे क्या मतलब, हमें तो मकान बनाना है, तो प्रार्थना कक्ष की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, चौड़ाई है लंबाई नहीं आई बस, ये तो मैंने पिछले साल कर लिया अपने, अब ये समझना पड़ेगा कि देखिए प्रार्थना कक्ष है तो या तो आयताकार होगा या वर्गाकार होगा या वृत्ताकार होगा, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि चौड़ाई लंबाई है, मतलब या तो वर्ग या आयत, अब चौड़ाई कम है लंबाई ज़्यादा है, मतलब क्या होगा आयत ही होगा, तो यहाँ पे एक लाइन बढ़ गई, निश्चित ही प्रार्थना कक्ष क्या होगा आयताकार होगा, क्यों, क्योंकि अगर वर्गाकार होता तो लंबाई चौड़ाई बराबर होती, पर यहाँ पर क्या होगा आयताकार, तो यहाँ पे आयताकार प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल कितना है 300 वर्ग मीटर, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 300, लंबाई कितनी है 2x प्लस 1, चौड़ाई कितनी है x बराबर 300, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 बराबर 0, 2x स्क्वायर 300 दूनी 600, तो ये आ जाएगा आपका 600 चाहिए ना अपन को, 25 और 26, हाँ 25 26 में आ जाएगा, देखो करके देखें 26 25, 5 छक्का का शून्य हाथ में आए, 1 मिनट 5 छक्का 5 5 5 2 10 13, 2 6 12, 2 2 4 5, 24 में आ जाएगा, 24 में करके देखते हैं, पर 25 24 100, अश्विन हाथ में 10 5 10 10, चलो आ गए क्या क्या, हाँ 25 और 24, समझ लेना सर, इसको लिखेंगे 25x - 24x - 300 = 0, अब बच्चों यहाँ से x क्या आ जाएगा 2x + 25, यहाँ से पता है ये 12 कॉमन लेना, क्योंकि 12 दूनी 2x + 25 = 0, फिर वही 2x + 25x - 12 = 0, 2x + 25 = 0, x - 12 = 0, 2x - 25x = 12, फिर वही डायलॉग कौन सा, x = -25/2 नहीं हो सकता, इसलिए वो आग्रह है, लंबाई आ जाएगी 12, सॉरी चौड़ाई आ जाएगी 12 और लंबाई